खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं मॉर्निंग प्राइम टाइम। आइए अब आपको स्पोर्ट्स की सभी बड़ी खबरें बता देते हैं सिर्फ 100 सेकंड्स में। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली ने हैदराबाद को एलिमिनेटर मैच में 2 विकेट से हराकर किया टूर्नामेंट से बाहर। इंडियन प्रीमियर लीग के क्वालिफायर 2 में दिल्ली की कल 3 बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स से होगी भिड़ंत। जो जीतेगा वो 12 मई को फाइनल में मुंबई से भिड़ेगा। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली पहली बार नॉकआउट मुकाबले में जीता है, इससे पहले 4 बार उसे हार का सामना करना पड़ा था। एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद ने पहले खेलकर 8 विकेट पर 162 रन बनाए। दिल्ली ने 1 गेंद रहते 8 विकेट खोकर 165 रन बनाकर मैच जीत लिया। दिल्ली के लिए ओपनर पृथ्वी शॉ ने 56 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली और ऋषभ पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में 49 रन बनाए। मैन ऑफ द मैच रहे विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने 49 रनों की तूफानी पारी खेली। उन्होंने 21 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के जड़े। पंत ने रदरफोर्ड के साथ 6 विकेट के लिए 40 रन जोड़े। हैदराबाद ने एलिमिनेटर मैच में 162 रन बनाए। मार्टिन गुप्टिल ने 36, मनीष पांडे ने 30, केन विलियमसन ने 28 रन बनाए। दिल्ली की ओर से कीमो पॉल ने 32 रन देकर 3 विकेट लिए। ईशांत शर्मा ने 34 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अमित मिश्रा ने 16 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। दिल्ली के अमित मिश्रा फील्डर को बाधा पहुंचाने के कारण आउट हुए। 6 साल बाद टी20 लीग में कोई बल्लेबाज फील्डर को बाधा पहुंचाने के कारण आउट हुआ। टीम ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप से पहले झटका लगा। जॉय रिचर्डसन कंधे की चोट के कारण वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उनकी जगह केन रिचर्डसन को टीम में शामिल किया गया। टेनिस स्टार रोजर फेडरर ने 3 साल बाद क्ले कोर्ट पर वापसी की। मैड्रिड ओपन में उन्होंने अपने पहले मैच में रिचर्ड गास्क्वेट को महज 52 मिनट में हरा दिया।